आखरी थक गई हालत, भयंकर तमाशा हुआ भाई घर में। चाचा आए मेरे, बाबा के छोटे भाई, कहाँ से, पागलखाने से। ठीक हो गया नहीं, भाग के आए और आके हम सुहोब को पागल करें। अब बोलने की हिम्मत नहीं है, देख लो आप ना खुद। सलाम बड़े भाई, खैरियत? वालेकुम सलाम। क्या हुआ छोटे भाई को नहीं पहचाने क्या? नहीं, मगर तुम तो वहाँ मैड हाउस में था, अब भाई के हाउस में आना चाह रहा हूँ। अरे पप्पू, इसमें पूछने का क्या है? घुसो घुसो। नहीं नहीं नहीं, कंसर्न इम्पोर्टेंट रहता ना, इसलिए पूछ ले रहा हूँ देवताली। आवाज उठो। हमारे को वहाँ काट डबी के उतरे रूम में डाल लेके खुद यहाँ महलों में अय्याशी कर रहे हैं। बोलो। वाह। मेरे पप्पू, मैं और शाहरुख मिलके ये घर थोड़ा मजा। वैसे मैं भूत याद करा तुम्हारे को पागल खाने में। अरे पप्पू, मैं तेरे को भी भूत याद करा घर में। खींचो, लपटता हूँ। अरे नहीं रे, सही बोल रहा हूँ, तू ठीक हो गया सो देख के बहुत खुशी हुई मेरे को। कौन बोला जी मैं ठीक हो गया बोल के? तो क्या फिर भाग क्या गया? हमारे सर के भतीजे, भतीजे कहो तुम? तू बैठ, मैं बुला के लाता हूँ। हेलो, एसआरके के साथ चाय और वो दोनों के साथ उस्मानिया बिस्किटा भी ले लेके आओ, जाओ। ठीक है ठीक है। वो इजाजत ले लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। सुनो जी। क्या? पप्पू आया। कौन पप्पू? इलेक्ट्रिशियन, बुलाओ जाओ उसको, लाइट ठीक कराना है। अरे वो नहीं, मेरा छोटा भाई, उन्हें तो पागलखाने में था ना। पागलखाने में था मगर इससे पहले दो खन भाग के आ गया तो ठीक हो गया आऊंगा। किसकी बात चल रही? बेटे मेरा छोटा भाई आया। कौन? पप्पू पागल? ए चाचू है तेरे, इज्जत कर। अरे सॉरी पापा, मुंह से स्लिप हो गया वो। शाहरुख, आपके वो ही चाचा क्या जो मेंटल असाइलम में थे? वैसे उनका नाम पप्पू पागल ही क्यों पड़ा? उन्होंने पागल थे क्या? ऑब्वियो, क्या पागलखाने में पप्पू अंदर है? नहीं, मेरा मतलब पागल इन द सेंस हाउ मच पागल। हाउ मच क्या रहता है? पागल पागल रहता। तुम ये पागल सवाल करके मेरे को पागल लको बनाओ, इन्हें अलग है भाई। पागल सवाल कर रही कि हाउ मच पागल कहते? अरे पागल पागल ही रहेगा ना पागल। अरे ये वर्ड बोलते गए तो अलग ही दिख रहा ना, पागल पागल ऐसा दिख रहा है, वर्ड है ही नहीं। पागल वर्ड है या नहीं? अब कौन पागल बात कर रहे? तुम दोनों पागल? हाँ खामोश बैठो। सॉरी पापा। ज़ैनब जरा वो टेंशन में तुमको पागल बोल दिया। अरे इट्स ओके पापा, चलता। अब बेगरत है ना, सुन लेते। पापा कुछ बोल रहे हैं यार, सुनो। उन्हें यहाँ कहीं को आया भाग के, वो सोच रहा हूँ। आदमी फैमिली के पास नहीं तो किसके पास जाएगा जी? आप ही छे ना उसके यहाँ पे। वो दूसरा भाई तो यूरोप में है शायद ना। पापा के कितने भाई हैं? वो जल्दी पूछे ऐसा, 4 साल हो गए शादी को। फैमिली ट्री बाद में बोलता हूँ, पहले उन्होंने जहाँ से आए वहाँ वापस छोड़ना है, कुछ भी कर देते। छी थू। क्या हुआ जी? अरे मैं कैसा बड़ा भाई हूँ जी, एक छोटे भाई को छत नहीं दे सक रहा। पापा उन्होंने आकर पागल कैसा हुए? छत से गिर के। एक दिन तुम्हारे पापा पतंग उड़ा रहे थे, मैं भी गया, मैं बोला मैं भी पतंग उड़ा दो, उन्होंने चरख थमा दिए। मैं बोला मेरे को चरख नहीं होना, मेरे को पतंग होना, तो गुस्से में दे दिए। उसके बाद में पतंग उड़ा रहा था, सट बोल के पेंच हो गई। अब पेंच होते मेरे को समझ में नहीं आया, उन्होंने बोले खींच 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 खींच, मैं खींचते गया खींचते गया खींचते गया खींचते गया, पीछे बाउंड्री नहीं थी। उसके बाद में थर्ड बोल के गिर गया और ये गंदा रंगोलम हो गया। गंदा रंगोलम बोले तो पप्पू बना पागल। पप्पू चाचा, एटलीस्ट वो पतंग काटे आप? नहीं भतीजे, अफसोस के मैं वो पतंग काट नहीं सका, लेकिन मेरी जिंदगी कटी पतंग के जैसी हो गई। कभी उफ कभी हा, कभी या कभी वा, कभी दाए कभी बाए, कभी हाय कभी हो। कितनी चाय दिए रे भाई? कम माना थे क्या? पप्पू चाचा, एक क्वेश्चन था। मैं सुना पागल खाने की वाइफ बहुत खतरनाक रहती, हर जगह चीखम पुकारा और दिन भर रात भर खाली शॉटा देते कहते, सही है? अम्मा नको रे भाई, इतने खतरनाक शाटा देते वहां पे, जगम जगह खाली वहरा डाल के। खुदा वो शाटा दुश्मन को दे, अपने को नको रे भाई। शाहरुख, आपको किससे किसी बात करना नहीं आता क्या? पप्पू चाचा, अपन पहली बार मिल रहे हैं, मैं ज़ैनब। पहचान लिया मैं, तुम कौन है सो? एसआरके के काजल तुम ही छे ना? वैसे शादी में कहीं बुलाया बुलाया बाप तेरी मेरे को? चिच्छा से इतना भयर ऐसी कर दिया हमारे को घर।
अरे पप्पू चाचा मैं ट्राई करा मालूम, पागल खाना वालों से बात करा तो ना क्या बोले मालूम। अरे फुल रिस्की है, पप्पू आखिरी तमाशे कर देता शादी में आके, दुल्हन वाले छोड़ के चले आएंगे, कल के दिन पेपर में आ जाता, फिर कोई भी तुम्हारे से शादी नहीं कर लेते। अब बात भी सही है ना, अब कुवारा कैसा, होप यू अंडरस्टैंड है सर। थाम। कभी भी झूठ बोले तो डिटेल में नहीं जाना, पकड़े जाते। अच्छा तो ये ट्रिक से पकड़ लेते तुम मेरा झूठ। ओफो अब से वन वर्ड झूठ बोलता हूँ। चाय तो बसी नहीं हुई और उस्मानिया बिस्किट तो भिजाई जी नहीं, क्या खातिरदारी यार वो चिच्चा की। वो क्या हुआ पप्पू चाचा, सुबह काम वाली क्या है, एकदम भूखी है बेचारी, कुछ तो भी है, बिस्किट चाय बोले तो उसको दे दिया मालूम, उसका मियां भी फीवर्ड है, बहुत बुरी लाइफ। फिर डिटेलिंग नहीं, वो असल क्या हुआ मालूम, खाली दो उस्मानिया बिस्किट थे, मैं किचन से आए तक मैच खा लिया, अच्छे दिखरण थे। सारो तू कभी नहीं खाया सर, नितातले पना कहीं करा बेचारा, पप्पू तो भी देख। बोलो बोलो, रुक गए कहीं को? अरे हमारे को वहां 3 टाइम चावल की पींच पिलाते थे उबाल के। हाँ पींच, अरे ऐसा बोले तो आदमी और पागल हो जाता। फिर तुम्हारा जिच्चा कैसा बर्दाश्त कराऊंगा, अब तक बर्दाश्त करते हुए राइड है। फिर क्या कह रहा हूँ, अभी तो आए देखेंगे। मेरा पार्सल आ गया। हिलो नको, तुम लोग सब रेडी हो जाओ। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या क्या हो रहा, क्या कहीं के लिए रेडी होना शाहरुख बोलो। ज़ैनब तुम पूछे ना पागल इन द सेंस, बोल के मेरे चाचा को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनको कोई भी आवाज ट्रिगर कर देती जैसे कि बेल। देखो उनको अब कुछ भी बन जा सकते हैं, उन्होंने बोल सकते हैं अपन। हेड डाउन मतलब उन्होंने ट्रिगर हो गया क्या? हाँ अब देखना दुग्गल साहब क्या बनते की। माय गॉड शाहरुख, मैं तो मेरा पार्सल ले रही हूँ और अंदर रूम में चले जाऊंगी प्लीज। क्या देख रही? अच्छा सलाम अलैकुम, खैरियत? क्या हुआ ऐसा भिगने डाल दिए? हाँ आई तुम तो भी बोलो कुछ, क्या हुआ रे सारो? पप्पू चाचा, चाची हूँ रे तेरी, चाचा करते। ये क्या हो रहा सारो? दीनी तालीम नहीं मिली जैसा दिख रहा, सलाम कलाम करना नहीं मालूम बड़ों को। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ आपा, दुल्हन को बराबर देख के दुरुस्त करके शिनाख्त करके लाए या ऐसी चला लिए? काम में जरा उठ को चल के तो बता, देखेंगे कैसा चल रही तू, कहाँ फॉल्ट है तेरे में, कहाँ बेंड हो रही, पूरा देखना पड़ता ना, बड़े लोग हैं। चाची आप खुद एक औरत हो के एक औरत को कैसा बोल सकते? तुम्हारा फेमिनिज्म जगाने न को जाओ, चाची की राख है, मार देते पागल है, चल लो ना, क्या जा रहा। ठीक है सो जाती हूँ। आओ बैठो चाची का नाके बैठो, क्या हुआ डर रहे कहीं कुछ? आओ खा ले तई चाची तुम्हारे, आओ बैठो। आई हाँ अम्मा, इतने बड़े नाखूना क्या है जी, वो इफ्लासी लग जाती, काटो। हाँ काटना है। चाची के देखे वेरी ब्यूटीफुल। हाँ और बेटा हमारा बच्चा तुम्हारे को बराबर देख रहा ना शाहरुख, नहीं देख रहा तो बोल दियो, अब भी राइट कर देती हूँ उसको। क्या बोलूँ मैं, रोज का टॉर्चर है। टॉर्चर टॉर्चर? जहेज लाओ जहेज लाओ, रोज यही छे। जहेज जहेज? हाँ रोज सोना सोना बोल के मेरे को सोने नहीं दे रहे। सोना पूछ रहा? चैन से सोना है तो सोने की चेन लाओ कते, और मैं बोली चाची को बोल देती हूँ मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बोले तो बोल दो चाची को क्या उखाड़ते हो मेरा, देखेंगे कते। क्यों आप देखो ये चाची क्या करती सो, क्यों रे जर्री शर्म नहीं है तेरे को, बच्ची पे जुलुम कर रहा, सोना होना जहेज होना, क्या हुआ रे तेरी मर्दानगी को, क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ एसीओ में महलों में बैठ के जहेजा मंगाने शर्म नहीं आई जर्री तेरे को, चौखट के बाहर पैर डाल के देख लोग कैसा घस दे रही अपने आप को, ऑटो वाले ऑटो चला के मेहनत कर रही, वॉचमैन ना वॉचमैनी करके मेहनत कर रही, सिक्योरिटी गार्डा बन रही, यहाँ पे बैठ के तू कुलचे से के बच्ची से जहेज मंगा रहा, नहीं करना रे नहीं करना, बर्बाद हो जाते, खुद के बहनों के साथ हुआ तो मालूम होता, देख खबरदार। माफी चाहती हूँ माँ, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल के बुढ़े ऐसी हो गए, घर में बैठ के ऐसी हो गए, काम नहीं कुछ भी नहीं, सीधा शादियाँ कर रहे, जहेज मांग रहे। सही बोले जी। ज़ैनब अब से आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ,
चाची मेरे को बहुत अच्छा सबक दे दिए। अगर हमें जायज पूछा ना मैं बेकरता। देख कहीं बेटे कैसा सुधर गया, एक ही मिनट में राइट हो गया, सुन लेता हमारा बच्चा। चाची और क्या करें मालूम इनो? ज़ैनब अब तुम्हारा जो बताऊंगा ना मैं। शाहरुख मेरे को क्या मालूम था चाची दे वायलेंट हो जाएंगे सो। जोर से पड़ी क्या? अरे कल्ले गर्म हो गए, देखो हाथ लगा। और क्या? अच्छा और क्या पे आ गए, यानी बात खत्म हो गई। पति जी जरा आराम कर ले, तो मैं शावर ले लेके लाइट लगा दे रहा हूं। I will take a sleep, okay? आई सर के तुम्हारा रूम जरा सो के उठना चाह रहा हूं मैं। मेरा बेडरूम जो है हां वहां पे स्ट्रेट जाके उधर लेफ्ट। हां तुम लोगों का रूम पूछा था उन्हें, हेलो हमारा रूम बता दी। सॉरी अम्मी, वो आज ही मैं बहुत मुश्किल से बेडशीट चेंज करी थी अपनी। गुड नाइट सर। पूरे अपन जाके चेक करेंगे उन सोरा क्या। माँ मैं आ गया, माँ मैं तेरी गोद में आ गया। माँ नी कोड़कू वच्छेड़ो माँ तल्ली। अम्मा को याद कर ले राशत। माँ तुम्हारे घुटने जरा चुभ रहे, हटो। मेरी मम्मी। आपकी मम्मी ने जी मेरा तकिया है वो। तुम लोग सुप चलो, एक प्लान है मेरे पास। पापा ये आपका प्लान बोल रहे हैं, अंधेरे स्टोर रूम में कहीं को ले गए। बहुत सीक्रेट प्लान है, सुनो सब। इन्हें पहले से तो बहुत बेहतर हुआ, वापस इसको पकड़ के अपन पागल खाने में डाल देंगे। थोड़े दिनों में इन पूरे कुछ ठीक हो जाता। हाँ बात तो सही बोले, मेरे को भी थोड़े ठीक दिख रहे हो ना। ज़ैनब सिद्दीका तुम लोग क्या बोलते? बोलना नहीं है पापा। ठीक है शर्फू भाई को कॉल कर, तीनों तो भी होना इसको पकड़ने। ठीक है मिला रहा हूँ फोन। हाँ हेलो शर्फू भाई, वो हमारे चाचा है भाई, पागल है उन्हों, उनको पकड़ के पागल खाने में डालना है। मैन पावर होना जर्रा होना ऊपर ऐसा। ठीक है पापा को पूछ के बोल रहा हूँ आपको अभी। अरे 2000 बोल रहे हो ना। बैगन पकड़ो बोल। ठीक है कॉल कर रहा हूँ। छोड़ कट कर, ज़ैनब को बुला लेंगे, तीनों पकड़ लेंगे, वैसे भी सो रहा ही नहीं। ठीक है ज़ैनब पहले तुम। पापा फर्स्ट स्टेप इनको दीजिए ना प्लीज। बोलो पापा। ये देखो ज़ैनब एक हाथ तुम पकड़ो, एक हाथ मैं पकड़ता हूँ। अरे शाहरुख तू पीछे जाके कमर खोल के पकड़ ले। सही है पकड़ लेता हूँ पापा ऐसा। फिर मैं क्या पकड़ूं भतीजे? छोड़ो खुद गोली हो रही मेरे को। ज़ैनब कार की चाबी ले लेगा, जल्दी चलो कार की चाबी। कहीं को कहाँ लेके जा रहे मेरे को? पप्पू चाचा आपको ड्राइव पे लेके जाना है, आप इतने साल पागल खाने में थे, अरे पूरा हैदराबाद चेंज हो गया, न्यूयॉर्क दिख रहा। चलो जो चाबी। कितने पार्सल आ रहे हैं ज़ैनब तुम्हारे को? अरे शर्फू भाई हिनो चाहिए पागल, जिसको पकड़ना है बोले सो। हाँ लेकिन आप 2000 बोले तो पापा बैगन पकड़ो बोल दिया। अरे 1500 में कर लेंगे मियां। 1500 को मैं दे देता हूँ शर्फू भाई, आप मेरी जगह लेके उनका हाथ पकड़ लो प्लीज। ऐसा अच्छा। अरे सेम नाना पाटे करके साथ रहे। आ गया मेरे पागलपन का तमाशा देखने के लिए। आई ले नाना का कैरेक्टर अपना लिया इन्हें, शर्फू तो गया अपन भी अब निकल लेंगे। गाइस ये था पार्ट 1, पार्ट 2 आने वाला है ये वेंसडे, यानी कि 26th या 27th कब है वेंसडे आ रहा, और 3-4 पार्ट्स भी आने का है, 4 पार्ट्स का है, 45 मिनट्स की ये शॉर्ट मूवी है, और यहाँ से खाली ऐसा क्रेजी होते जाने वाला है। आखिरी फनी है, डू नॉट मिस, पूरे पार्ट्स कैसा भी देखो, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, दुआओं में याद, स्टे खिराट।